लास्ट ब्लॉग में मैंने मतलब वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था, जरूरत से ज़्यादा यूज़ कर लिया था। इस ब्लॉग में इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। इसको मैंने लास्ट नाइट एडिट करते समय में देखा, मतलब बहुत ज़्यादा फिर मतलब। बाकी अभी हमने ये जो पुल आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ तक 1200 मीटर है पूरा, तो उसको कंप्लीट कर लिया है। और अभी हम घाट पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वहाँ पे हमारे मित्रगण हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे आके ब्लॉग बना रहा हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं उनसे। वेलकम टू माय ब्लॉग, हे गाइस वेलकम टू माय कैमरा, दिस इज माय ब्लॉग। गाइस इसका एक ही सीन है, तो आता है यहाँ पे, बैठता है, ईयरफोन लगाता है और सीधा आप देख सकते हो। जय पवजी। फिलहाल हम अभी अपने घर पे आ गए हैं और अबाउट अभी 8 बज रहे हैं, चाय भी हमारा डन है। बाकी ये हमारा रहा आज का रूटीन, इसमें हमें सबसे पहले SHM पढ़ना है फिजिक्स में आज। SHM पढ़ने से पहले हम रोटेशनल मोशन को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, प्योर रोलिंग टॉपिक जो है उसको। और अभी मुझे अपना व्लॉग भी अपलोड करना है, क्योंकि मैंने कल इंस्टाग्राम पर लगा दिया था स्टोरी कि मैं 9 बजे तक व्लॉग अपलोड कर दूंगा आज। तो अभी सबसे पहले हम व्लॉग को अपलोड में लगा देते हैं और अपना काम करते रहते हैं जो अभी कर रहे हैं। तो अभी हो रहे हैं रात के 8:30, मुझे व्लॉग अपलोड किए हुए लगभग 10 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे उस व्लॉग पे बस 40 व्यूज आए हैं। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटनेस लग रहा है मुझे अभी, मतलब इतना मेहनत करना पड़ता है, कोई सप्ताह ये करो व्लॉग बनाओ, दिन भर एडिटिंग करो, और उसके बाद फिर सप्ताह भर व्लॉग बनाने के बाद जब आप उसको डालो तो कोई देखने वाला है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटनेस लगा मुझे बहुत ज़्यादा आज, और लगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये वर्थलेस है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया आपको कि मुझे व्लॉग बनाने में मज़ा आ रहा है, तो मैं खुद के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ और मुझे अब मज़ा आ रहा है इसमें। तो ब्लॉग तो बनते रहेगा, देखते हैं जो होना होगा होगा। दिन भर जो हमने सोचा था कि हम पढ़ेंगे वो हम नहीं पढ़ पाए, और मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाए, पढ़ाई भी हमारी आज इतनी खास कोई नहीं हुई है। सो गाइस आज है 29 अक्टूबर और हम लगभग 6 दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया है। इसका कारण ये था कि मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, और नवरात्रि के कारण थोड़ा सा मैं घर के कामों में व्यस्त था, तो उसके कारण मैं नहीं बना पाया ब्लॉग। बाकी आज सुबह सुबह मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक वेटिंग मशीन रखा हुआ है, तो मैं जा रहा हूँ उससे अपना वेट ना अपने देखता हूँ कि मेरा वेट कितना है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कितना मेरा वेट होगा, आप लोग अभी जाके कमेंट कर सकते हो कितना मेरा वेट हो सकता है। सो आप देख सकते हो मेरा वेट कितना है, मतलब यार बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू दिस वेटिंग मशीन मेरा वेट कितना रहना चाहिए था, मेरा हाइट है 5 फीट 8 इंच मेल में, तो मेरा 62 से 69 रहना चाहिए, और मेरा है कितना फिर से देख लो एक बार, मतलब क्या बोले, स्पीचलेस। लगभग मैंने इस रूम को 1 महीने से नहीं खोला, मतलब रूम को खोला है बस देखने के लिए, थोड़ा बहुत चीज़ मेरे बुक्स देखने के लिए और थोड़ा सा पूजा पाठ करने के लिए, बाकी मैंने इस रूम को पढ़ने के लिए स्पेशली कभी नहीं खोला है लगभग 1 महीने से। तो गाइस आज से हम अपना पुराना वाला जो रूटीन था उसको फॉलो करेंगे, हालांकि हम सुबह में दौड़ने जाएंगे, लेकिन मतलब और भी दिन का जो रूटीन होता है वो दिन जो जैसे फॉलो करते थे वैसे करेंगे। और हमारा डेली व्लॉग्स का जो मतलब सीरीज है अक्टूबर 2020, वो लगभग 2 दिनों में ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद ब्लॉग जैसे पहले आते थे महीने में 4 दिन या फिर 5 दिन या फिर 6 दिन, वैसे ही आएंगे, मतलब डेली ब्लॉग्स तो नहीं आएंगे जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, डेली डेली वैसे नहीं आएंगे, मतलब एक दिन का पूरा ब्लॉग आएगा, तो वो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता था। हालांकि ये भी ठीक है देख सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा मतलब अटेंशन रहता था ऑडियंस का, तो हम फिर से वैसे ही ब्लॉग बनाएंगे, बाहर भी जाके हम अपना ब्लॉग्स बनाएंगे, प्लान करेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, पर देख लेंगे सब कुछ उसके बाद।